राज्यसभा के दो सीट पर छत्तीसगढ़ ले कांग्रेस प्रत्याशी केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेता नामांकन दाखिल करें हैं। नामांकन अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सबो मंत्री और विधायक मौजूद रही हैं। मीडिया ले बातचीत करत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों प्रत्याशी ला बधाई दिन है। प्रत्याशी केटीएस तुलसी कही से कि मोर सौभाग्य है कि मोला छत्तीसगढ़ ले राज्यसभा जाए के मौका मिलत है। पूरा कोशिश हुई कि राज्य के समस्या ला हल करन। प्रत्याशी फूलो देवी नेताम कही नहीं कि आला कमान के आभारी हूँ जेमन राज्यसभा जाए के मौका दिन है। नेताम कही नहीं कि जमीनी मुद्दा ऊपर हमन केंद्र सरकार का ना अपन बात ला रखबो। वे भाजपा नेता कही नहीं कि मोतीलाल वोरा ला मौका नहीं दे ले छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुए है। भाजपा डहार ले कोई प्रत्याशी राज्यसभा पर नहीं उतारे गए। ये स्थिति में अब कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाए। हालांकि विधानसभा में मतदान की तिथि 26 मार्च। दोनों ने नामांकन भर दिया है और संभवतः निर्विरोध ही होगा। 16 तारीख को औपचारिकता रहेगी। हाँ, औपचारिकता भर रह गई है तो दोनों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं बहुत अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे को छत्तीसगढ़ की सेवा करने के कुछ मौका मिलेगा। राज्यसभा में डिबेट होगी उसमें मैं आपका पक्ष रखूंगा। बस्तर से एक महिला को राज्यसभा के लिए मौका मिला है। निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन पे हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आवाज़ उठाएंगे। कि एक सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी को भेजना है, लगातार भेजते रहे हैं, कहीं ना कहीं आदमी को धक्का लगता है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले समय में असर भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा।